एक बेटर ऑप्शन तो ये है कि हम अपने यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट्स को ऐसे डेवलप करें कि हम फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सके, वी कैन अट्रैक्ट फॉरनर्स। गाइस, थर्ड पॉइंट इन आर बजट इनसाइट इज दैट बजट इज टेलिंग अस दैट टूरिज्म विल बी प्रमोटेड। गवर्नमेंट इस चीज पे काफी ज्यादा फोकस कर रही है, दे वॉन्ट टू प्रमोट टूरिज्म, और अलग अलग स्टेट्स को गाइडलाइंस दी गई हैं कि वो अपने यहाँ के पिलग्रिमेज के जो हब्स हैं, यानी कि मंदिर है या कोई भी ऐसी एंशियंट चीज है, कोई ऐसा एंशियंट मॉन्यूमेंट है उनके यहाँ, तो अलग अलग स्टेट्स में उसका एक सर्किट बनाए, टूरिस्ट सर्किट बनाए, उसको प्रमोट करें, एडवर्टाइज करें और टूरिज्म को अपने यहाँ अट्रैक्ट करें, जिससे कि रेवेन्यू भी बढ़ेगा। सो दैट्स अ गुड स्टेप, अ वेलकम स्टेप, एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का। लेकिन मैं इसमें आपको कुछ चीज कहना चाहता हूँ गाइस, एक बात सोचिए, भले चाहे लक्षद्वीप हो चाहे कोई और प्लेस हो, डोमेस्टिक टूरिज्म से, अटेंशन, डोमेस्टिक टूरिज्म से क्या हमें फॉरेन करेंसी डॉलर मिलेगा? हमारा तो पैसा इधर से उधर बस सर्कुलेट होगा, कंट्री की ही अर्निंग है जो कंट्री में सर्कुलेट हो रही है, इससे हमारा मनी कहाँ इंक्रीज कर रहा है, इससे हम राइस पे कहाँ जा रहे हैं, इससे इकोनॉमी डेवलप कहाँ कर रही है? हाँ, दे कैन, यू कैन से, एक पॉइंट कह सकते हैं कि बिल्कुल एक एक्सीलरेशन मिलेगा इकोनॉमी में, दैट्स व्हाट आई एग्री विद, बट न्यू मनी तो नहीं आ रहा है। सो एक बेटर ऑप्शन तो ये है कि हम अपने यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट्स को ऐसे डेवलप करें कि हम फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकें, वी कैन अट्रैक्ट फॉरनर्स, एंड इफ वी कैन अट्रैक्ट फॉरनर्स देन वी विल बी एबल टू अट्रैक्ट फॉरेन मनी, वी विल बी एबल टू अट्रैक्ट डॉलर्स, हमारा फॉरेन रिजर्व भी इंक्रीज करेगा, उसकी कंडीशन अच्छी होगी, राइट, और वी विल गेट न्यू मनी, इकोनॉमी में न्यू मनी एंटर करेगा, ये बूस्ट देगा इकोनॉमी। लेकिन अब फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना भी इतना इजी नहीं है। अगर आप हमारा सिविक सेंस देखें, कई बार ऐसा होता है ना, तो न्यूज में भी आता है कि हमारे यहाँ के फॉरनर्स, वेदर दे आर फ्रॉम यूरोप, यूएसए, व्हाटएवर, उनका लिविंग स्टाइल अलग है, वेयरिंग क्लोथ्स एंड एवरीथिंग। तो हमारे यहाँ हमारी सिविक सेंस ऐसा है कि लोगों को अजीब लगता है, समवन इज लाइंग इन द बीच, सन बेथिंग कर रहे हैं, तो इंडियंस देखते हैं उन्हें अजीब लगता है और कुछ कमेंट्स कर देते हैं, देन व्हाई विल समवन कम। उसके अलावा आप अगर इंफ्रा की बात करें, हमें इंफ्रा को डेवलप करना पड़ेगा, एंड इंफ्रा शुड बी डेवलप्ड ऑफ दीज टूरिस्ट डेस्टिनेशंस कीपिंग इन माइंड द जेंट्री ऑफ फॉरनर्स। हम फॉरेन टूरिस्ट को ध्यान में रख के इंफ्रा डेवलप करें, जिससे कि वो यहाँ पर आके कंफर्टेबल महसूस करें, वो वेकेशन पे आए हैं गाइस, एंड व्हेन वी गो टू वेकेशन वी वांट टू बी कंफर्टेबल, वी वांट टू बी रिलैक्स, वो जितना ज्यादा यहाँ पे कंफर्टेबल महसूस करेंगे, हाँ, उतना ही ज्यादा हमारा ये टूरिस्ट वाला जो डेस्टिनेशन है वो अट्रैक्ट कर पाएगा मोर और मोर फॉरनर्स को। और मार्केटिंग भी फिर इसी रिगार्ड में करनी चाहिए, मार्केटिंग ऐसे करनी चाहिए दैट इट शुड बी अट्रैक्टिव फॉर फॉरेन विजिटर्स।